तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। मेरा वीरो की हाल है, ठीक हो? नहीं। सबसे पहले तो तुम सब बच्चों को मुबारकबाद जो स्कूल कॉलेजेस की पानीयकियों से छुटकारा पाकर लॉकडाउन की वजह से घर बैठे हैं। मैं तो स्कूल बोल नहीं जाता, लेकिन लॉकडाउन का फायदा जरूर है मुझे। सब घर बैठ के मेरी वीडियोस के व्यूज बढ़ाते हैं, जो बड़ी अच्छी बात है। शुगर मेले का शुगर मेला काम का काम हो गया। लेकिन चवली इधर आती है जब लोग सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं। यार मतलब किसी के पैसे लग रहे हैं सब्सक्राइब करने पे, तो बताओ मुझे। कसम से जब कोई सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे बीच चौक पे कोई मेरी बूट पे थप्पड़ मार के चला गया और पैसे भी ना दिए। सब्सक्राइब करके वीडियो देखो यार, बेल आइकन के साथ। खैर आज हम लोग बात करने वाले हैं टिकटॉक की बच्चियों की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो एलियन मैं तुम लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ, काम उसके स्पीकर वाले हैं लेकिन नाम उसका साइलेंट गर्ल है। बचपन से हम लोग प्रेशियस पर्ल, पापा की परी और साइलेंट गर्ल जैसे नाम सिर्फ फेसबुक पे ही देखते आए हैं, जिन्होंने अपनी खुद की डीपी तक नहीं लगाई होती। लेकिन आज 2020 जहां पानीयकी पे पानीयकी हो रही है, उधर साइलेंट गर्ल फेसबुक से बाहर आके टिकटॉक पे अपना लाइव फेस रिवील कर गई है। इन मैडम की कोई भी टिकटॉक दिखाने से पहले मैं तुम लोगों को वार्निंग देना चाहता हूँ कि अपने कानों के अंदर रुइयां घुसेर लो और अपना फोन अपने से 10 फुट दूर कर लो, क्योंकि ये जो साइलेंट गर्ल है, मैं पहले ही बता दूं, ना तो ये साइलेंट है और ना ही इसमें गर्ल वाले कोई काम है। बीमारियों की वजह से अस्पताल पहले ही फुल हो पड़े हैं। तुम्हारे कान के पर्दे पुर्दे फट गए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, पहले ही बता दूं। चलो भाई, साइलेंट गर्ल नाम नहीं मियां जी, ब्रांड है, ब्रांड बाबा जी। नाम तक तो ठीक था लेकिन अभी ये ब्रांड भी बन गई है। जल्द ही इसके अंडरवियर, ब्रा, पेंटी, सुपाड़ियां, चरस और नस्वार देखने को मिलेगी। फिर ये मैडम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बन जाएगी। वैसे जैसे मुल्क के हालात चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इसने बन भी जाना है। मुझे आपकी जरूरत नहीं है मियां जी, लोग तो मेरे नाम से जलते हैं बाबा जी। वैसे इसके प्राइम मिनिस्टर बनने का फायदा जरूर होगा, जितनी ऊंची इसकी चीखें हैं जलसे के वक्त स्पीकरों की जरूरत ही नहीं पड़नी। बड़ी अंतरी चीज है ना, जब बराबरी ना हो सकते बदनामी शुरू करते हो बाबा जी से। टिकटॉक की एक अच्छी बात ये है कि पानीयकी आती है, बीमारी फैलाती है और चले जाती है, ज्यादा देर रहती नहीं है। अभी ये साइलेंट गर्ल है, उससे पहले वो हेल्प हेल्प करके एक बकरी हुआ करती थी। उससे पहले अली खान से याद है, अली खान क्या कर रहे हैं आजकल? अबे यार अली खान, तेरे मुंह चलो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं आप लोगों की अपनी साइलेंट गर्ल। आज जो मैं चॉकलेट खा रही हूँ पूरे 1 अरब की है, 1 अरब की। शक्ल धो के आओगे फिर भी नहीं मिलेगी। 1 अरब की है, और अरब का मतलब तो तुम लोग समझ ही गए होगे, वो जो दुबई में होते हैं शेख अरब, ये उसकी चॉकलेट है। अरबी से कुछ लेना ही था तो शालीमार में फ्लैट मांग लेती या ज्यादा से ज्यादा iPhone 12 मांग लेती, लेकिन नहीं, इन्हें अरब से चॉकलेट मिली है। और ये जो इसने कहा ना कि मुंह धो के आओ तब भी नहीं मिलेगी, तो वो तो सबको पता है कि मुंह धोने से चॉकलेट थोड़ी मिलती है। ये समझो कि टिकटॉकर के घर पे पड़ी हुई हर चीज एंटीक पीस है, चाहे वो चॉकलेट हो या परफ्यूम। इनके घर जाने का कभी इतफाक हुआ तो अमेरिका का न्यूक्लियर बम भी उधर ही पड़ा होगा, जो इन्हें ट्रंप ने गिफ्ट की है। ओ श्रीको, तुसी की कहंदे हो, तुहाडा टब्बर बड़ा होशियार है। मियां जी, इन्हां नूं दसो सियालकोट दी एक मैगजीन दी मारे बाबा जी। सियालकोट शुगर मेला, पागलो शुगर मेला समझा करो। पहले हैदराबादी और अब ये सियालकोटी। कोरोना वायरस को छोड़ो, पैच पहले बैठ के इनकी वैक्सीन निकालो यार। इससे बेहतर शुगर मेला तो मोबाइल लेके टट्टी करने जाओ तो वहाँ लग जाता है। ऐसी चपड़ी निब्बियाँ होती हैं जो अपना CNIC में नाम साइलेंट गर्ल करवाने नादरा ऑफिस पहुँच जाती हैं। बोला था ना, टिकटॉक का हीरो कौन? यूसुफ पठान। टिकटॉक पे राज करेगा कौन? यूसुफ पठान। टिकटॉक का PM, उसके बाद क्वीन, उसके बाद आर्मी चीफ और अब हाजिर है टिकटॉक का हीरो। ऐसे हीरो होते हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि 3 B-grade मूवी में तुम्हें दर्जी का रोल दिया जाएगा और 4th C-grade मूवी में तुम्हें हीरो बना दिया जाएगा। ऐसे हीरो होते हैं जिनके साथ कोई हीरोइन नहीं रखी जाती, क्योंकि हीरो से अपना नारा तो संभाला नहीं जाता, हीरोइन इसने घंटा संभालनी है। ऐसे हीरो को रोल नहीं बल्कि कैल्शियम की गोलियों और पोलियो के कतरों की जरूरत है। औरत बनने का शौक है। लोगों के मार्केट में बच्चे गुम हो जाते हैं, इधर किसी का काड़ी साहब गुम हो गया। कोरोना ने सही सबकी बात ली हुई है। बड़े बुड्ढे जिनके बच्चों के भी बच्चे हो गए, उन्हें उनको टिकटॉक पे स्टार बनना है। एक तरफ साइलेंट गर्ल है जो साइलेंट होने का नाम नहीं लेती, और दूसरी तरफ मौलवी है जिनको अपना कटवाने का बड़ा शौक चढ़ा है आजकल। मैं तो कहता हूँ टिकटॉक के डिस्को मौलवियों पे अलग से वीडियो होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब टिकटॉक पे यार अच्छा कंटेंट बनाने वाले लोग भी हैं जो बड़ी मीनिंगफुल वीडियोस बनाते हैं, तो अच्छा कंटेंट ढूंढने के लिए मैं हमारे टिकटॉक किंग साहब के पास गया, जिन्हें तमीज ही तमीज है। उधर मिला जी मुझे डीप कंटेंट, तो भाइयों और उनकी बहनों तैयार हो जाओ डीप कंटेंट देखने के लिए।
कुछ भी। फिर ये लोग कहते हैं कि लोग हमसे सीखते हैं, आज पहले खुद तो सीख लो। मैं फिर ऐसा करता हूँ ना, बैंक लूट के आता हूँ और पैसे गरीबों में बांट देता हूँ। सनी लियोनी मरवा के कल को डोनेशन कर दे तो उसको नोबेल प्राइज ऑफ पीस दे दें। टिकटॉकरों ने भी सही नॉलेज और डीप कंटेंट के नाम पे फुद्दू बनाना शुरू किया हुआ है आवाम का, कि अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप दूसरों की मदद करना चाहते हो तो आप ये काम करके मदद कर सकते हो। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये प्रमोट किस चीज को करना चाह रहे। पता नहीं टिकटॉक की सेलिब्रिटीज भी ये सोच के बैठे हुए कि हमारी वीडियो से तो आवाम को बड़ा लेसन मिलता है, जबकि लेसन ही लूटा मिलता है बस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मेरी गाने की शूटिंग है तो मैं रेडी हुई हूँ, तो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हूँ बताना नहीं। और मेरा सॉन्ग आ रहा है, आप सबने देखना है, लाइक भी करना। वैसे मुझे समझ नहीं आती कि लड़कियों के खुद की कपड़ों की इतनी किस्में होती हैं, तो ये मर्दों के कुर्ते पहनने का क्या कीड़ा चढ़ा होता है भाई। कभी हमें देखा है ब्रा पैंटीज पहने हुए? ओ सॉरी, कोई नहीं होता है। और क्या कह रही है चपड़ी नीबी साहिबा? मेरा सॉन्ग आ रहा है, आप सबने देखना है। गाना आ रहा है, ओए होए, गाने पे भी नजर मार लेते हैं यार एक बार। तो गाने का नाम है जी ठोक ठोक, जिसपे आवाम ने थूक थूक के डिसलाइक का दूसरा रिकॉर्ड बना डाला है। लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, पहला इनाम अभी भी एलेक्स भट्टी भाई जान के पास ही है। चलो भाई यार, वो देख उधर। तुसी की कहंदे हो, तुहाडा टब्बर बड़ा होशियार है। त्रिको साइलेंट गर्ल दी एक मैगजीन दी मार है बाबा जी। सियालकोट तो सॉन्ग शुरू होता है जी साइलेंट गर्ल की एंट्री से, जो किराए की होंडा से निकलती है। अब गाने का बजट थोड़ा कम था तो होंडा के ड्राइवर का कुर्ता भी किराए पे ले लिया। गाड़ी से निकलते ही साइलेंट गर्ल अपना टिकटॉक सेलिब्रिटी ऑस्कर विनिंग डायलॉग मार के टिकटॉकर और चुपटा होने का सबूत देती है। इसी दौरान दो ठरकियों की उस पे नजर पड़ जाती है, जो इंतहा की टट्टी लिपसिंग के साथ साइलेंट गर्ल पे पुंडी मारती है। ये साइलेंट गर्ल चलो हम देखते हैं। टिकटॉक बना के लोगों का दिमाग खराब हुआ पर है। अबे कोई रीटेक करके कोई चीज होती है? इनके हिसाब से हॉलीवुड की फिल्में भी टिकटॉक पे ही बनती हैं। उधर ही लिपसिंग होती है और उसी पे एडिट होती है और बन गई जी आपकी ऑस्कर विनिंग फिल्म। खैर जब साइलेंट गर्ल अपना ब्रांडेड डायलॉग बाबा जी सियालकोट बोलती है तो इन दो टट्टियों को शाड़ी चढ़ जाती है और दोनों पहुंच जाते हैं साइलेंट गर्ल के पास। पहुंचते ही दोनों साइलेंट गर्ल को अपना तारुफ कराते हैं। हाँ जी किताओ, कौन है तुम? ए हन्नो है। कौन है तुम? मैं डीजे शमस सिंगर। डीजे शमस सिंगर तो ऐसे कह रहा है जैसे बॉलीवुड वालों को किराए पे देख के आते हैं। आजकल हर बंदा टिकटॉकर के साथ गाना बना के वर्ल्ड क्लास सिंगर बना हुआ है। ऐसे सिंगर होते हैं जो खुद गाना बजाएं ना बजाएं, लेकिन लोग इनकी जरूर बजा के चले आते हैं। ओ, गाने लिखते हो, हो जाए मेरे शरीकों के लिए एक गाना। तुम्हारे शरीकों को तो हम ठोक ठोक रखेंगे, ठोक ठोक। शुक्र है भाई साहब ने अपने आप को सिंगर डीजे और राइटर ही बोला है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिंग की तो डीजे शमस। तो गाना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है भाई, और यहाँ पे स्वैग बढ़ाने के लिए साइलेंट की गलत स्पेलिंग कर दिए गए हैं और दोनों गाड़ियों के दरवाजे खोल दिए गए हैं, जहाँ बगैर कोई इंट्रोडक्शन के एंट्री हो जाती है एक पांचवे बंदे की, जिसको पूरे गाने में तुतिया बनने का रोल पेश किया गया है। और रोक दे परेंदे यार, ठोक दे परेंदे वैरियां नु अगे पीछे है, चक दे परेंदे। सबको काला कुर्ता पहनने को बोला था, लेकिन मेन सुपरस्टार डीजे के पास कुर्ता था ही नहीं, तो इसलिए महीने से ना धुली हुई शर्ट, पठानों की रेबैन, 200 रुपए का ट्राउजर और मुंह धोए बगैर डीजे शमस को एंट्री करनी पड़ी, जिसके बाद इसकी बुंडोई थी, क्योंकि सबको कुर्ते लाकर देना इसके जिम्मे था। अभी भाई साहब को गाड़ियों के मालिक का मैसेज आया हुआ है कि भाई गाड़ियां 2 घंटे के लिए किराए पे ली थी, अभी तक वापस नहीं आई। लेकिन ये बंदा भी क्या करे, साइलेंट गर्ल और डीजे शवस की पानियां खत्म होगी तो गाड़ी वापस करेगा ना। अरे बुरे बंदे नु रुक दे परंदे, वेख वेख वैरियां दे सा सुख दे परंदे। बचपन में इदी खट्टी करके 80 रुपए की ऐसी पिस्तौल लेके पोज मार के फोटो लेके फेसबुक पे डीपी लगा के किलर बॉय का खिताब दिया करते थे। 5 रुपए की लॉटरी से निकली हुई गन को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे AWM अमेरिका से इम्पोर्ट कराई। तू रोक रोक रखे अबे डीजे शमा सुनू, तू कुछ भी ना दसेया, तेरे वैरी सी जीने भी देते पाई। मुझे पूरे गाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वाय एक्टिंग, कास्टिंग, डायरेक्शन, म्यूजिक, लिरिक्स, एक्टर, सॉन्ग राइटिंग और गाने के नाम के अलावा बाकी सब फिट है भाई। और गाने की लोकेशन के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि टट्टी करने बंदा सुनसान जगह ही जाते हैं। अच्छा तू शेर डकी नहीं जाते, दिल विच होण गुस्से ते दसी नहीं जांदे, ओ जिथे भी जगह लबे टट्टी नहीं करदे। मैं ना असली स्टोरी बताता हूँ कि हुआ क्या था। 3 दोस्तों की लॉटरी से गन्ने निकलाई और इन्होंने सोचा कि इनको यूज करके एक स्वैग वाली म्यूजिक वीडियो तैयार की जाए। अब जैसा कि तुम लोगों को पता है कि जब तक किसी प्रोजेक्ट के अंदर बच्ची इन्वॉल्व नहीं होगी तो वो चीज हिट कैसे होगी, तो इसलिए इन्होंने एलेक्स भट्टी को मुकाबला देते हुए साइलेंट गर्ल को 2 बिरयानी की प्लेट और आधी दाल वाली शामी के साथ वेरी हाई बजट में हायर कर लिया, और हर फ्रेम में साइलेंट गर्ल का होना लाजमी है ताकि आवाम गाना पूरा देखे। ठोक ठोक बिल्लो ठोक ठोक
और अब मैं तुम लोगों को पूरा गाना दिखा के तुम लोगों का टाइम जाया नहीं करूंगा, क्योंकि पूरे गाने के अंदर साइलेंट गर्ल को अपने हाथ हिलाने हैं, डीजे को अपनी गांड हिलानी है और बाकियों को अपना लान हिलाना था, लेकिन वो तो है ही नहीं, तो इसलिए सबके हाथों में पिस्तौल और हथौड़ी पकड़ा दी गई है कि इसी को हिला के गुजारा करो। हां जी, कितना लगा साडा गाना? लाइक कमेंट करके जरूर दसिएगा। चलो मेरे लड़े दे। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक मारो, और अगर पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो बेल आइकन के साथ। एम करते हैं जी 2.5 लाख लाइक्स के लिए। 2.5 लाख कर दो यार, मुझे पता है तुम लोग कर देते हो जितने भी मैं मांगता हूँ, इसलिए थोड़ी सी मैंने औकात बढ़ा दी है। 2.5 लाख और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है भाई। सब्सक्राइब किए बगैर अगर किसी ने वीडियो देखी ना, मैं गोली मार दूंगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कदी मारे या नहीं हक, कदी पाया नहीं फसा, खुश रहते मेरे लोग, खुश हैगा मेरा बाप। तेरी छोटी हैगी सोच, कर अपना हिसाब, अपना हिसाब, मेहनत आए सब, मेहनत आए, मैं इत्थे आया आप, असी देने प्यार असी।